दुनिया में वैक्सीन आने की पहली खुशखबरी रूस ने दी है। वहीं भारत में भी देसी वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। देश में बन रही कोरोना वैक्सीन को भारत बायोटेक व ICMR मिलकर बना रहे हैं। भारत में बन रही कोवैक्सीन का पहला फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है, जो कि कामयाब रहा, और सितंबर के महीने में इसके ट्रायल का दूसरा फेज शुरू किया जाएगा। वहीं हरियाणा के रोहतक PGI में कोरोना वैक्सीन से चल रहे ट्रायल पर अर्थ प्रकाश TV ये स्पेशल रिपोर्ट पेश करता है, जिसमें अंबाला का रहने वाला युवक जिस प्रकार कोवैक्सीन का ट्रायल रोहतक PGI में किया गया, जो कि अर्थ प्रकाश TV से रूबरू हुए और उन्होंने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के दौरान अपना तजुर्बा साझा किया। देखिए अंबाला से लोकेश दत्त मेहता की यह विशेष रिपोर्ट। सर, सबसे पहले तो मुझे 27 जुलाई को वहाँ पे मेडिकल के लिए बुलाया गया रोहतक PGI में। डॉक्टर ध्रुवा चौधरी जो नोडल ऑफिसर हैं पूरे हरियाणा के COVID-19 के, तो उन्होंने मेडिकल किया तो प्रॉपर इफेक्ट आया। यूरिन का सैंपल लिया उन्होंने और COVID-19 का किया तो भी नेगेटिव आए। तो उसके बाद उन्होंने 48 घंटे बाद मुझे कॉल किया और साथ में यही बताया कि आपकी बॉडी पूरी नॉर्मल है, मेडिकली फिट हो, और ये कहा कि आप 31 जुलाई को वैक्सीनेशन के लिए आ जाओ। तो जैसे ही मैं वहाँ पर गया तो मुझे वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाने के साथ ही उन्होंने मुझे ICU शिफ्ट कर दिया। ICU शिफ्ट करने के बाद मुझे उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। कम से कम 6 से 7 डॉक्टर मेरे साथ थे, ताकि अगर शरीर में कोई भी हरकत हो ताकि उसको साथ के साथ संभाला जा सके, कि इसका वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, उसको देखते हुए उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन 2-3 घंटों के लिए रखा। और जैसे ही उन्होंने देखा कि शरीर में कोई भी हरकत नहीं है और वैक्सीन अपना काम अच्छे से कर रही है, तो उन्होंने सेम डे मुझे अंबाला वापसी भेज दिया है। सर, कितनी वैक्सीन आपको दी गई हैं, कितने इंजेक्शन लगाए गए और क्या महसूस हुआ आपको शरीर पर कुछ? सर, अभी फर्स्ट फेज की 2 वैक्सीन मुझे लग चुकी हैं। एक वैक्सीन 31 जुलाई 2020 को और जो नेक्स्ट लगी है अभी वो 14 अगस्त को लगी है सर। और इससे ये है कि पहली वैक्सीन थी उसमें डोज कुछ कम थी, और सेकंड वैक्सीन में अब डोज बढ़ाकर लगाई गई है, तो उसमें थोड़ा फीवर और थोड़ा बॉडी पेन भी रहता है सर। तो अभी डॉक्टरों से जैसे आपकी बातचीत हो रही है, कुल कितने लोगों की वैक्सीनेशन किया गया था वहाँ पर, रिजल्ट ओवरऑल क्या मानते हैं? सर, जितने भी लोगों की वैक्सीन लगी है उसमें जो वॉलंटियर्स आए थे वो 300+ आए थे सर, बट उनमें जिन्हें लिया गया है वो 81 लोगों को लिया गया है जिन पे वैक्सीन रिसर्च हुई है, और वो सभी ठीक हैं और वैक्सीन का पॉजिटिव रिजल्ट ला रहा है सर। अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स, और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव